हेलो बच्चो हेलो बच्चों वेलकम टू फिजिक्स वाला मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश्री मेरी कहानी एक खुली किताब है आई डिड माई एमएससी इन बॉटनी एंड आफ्टर दैट आई जंप इन टू टीचिंग फील्ड आज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपके साथ एक बायोलॉजी की कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आई जस्ट होप ये कोर्स आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो ठीक है तो अब ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी लेट स्टार्ट विथ आवर कोर्स आवर फर्स्ट लेक्चर दैट इज ऑन लाइफ प्रोसेस तो देखिए इस पूरे लेक्चर पे हम अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वट आर लाइफ प्रोसेस देन हम स्टडी करेंगे कि ये जो लाइफ प्रोसेस है जो भी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वाई आर दिस लाइफ प्रोसेस सो इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर डैट हम थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है अगर ये न्यूट्रिशन कुछ है भी तो इसके कितने टाइप्स है एंड देन हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे कि प्लांट्स प्लांट्स की न्यूट्रिशन किस टाइप की होती है फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं आखिर इस फोटोसिंथेसिस में होता क्या है एंड देन वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन अल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसी छोटी जीव जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है लाइक अमी बा फिर अफकोर्स दुनिया की श्रेष्ठ जीव ह्यूमन ह्यूमन में किस टाइप की न्यूट्रिशन होती है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी ये लेक्चर विथ अ सिंपल क्वेश्चन वट इज लाइफ प्रोसेस तो देखिए अब हम जिंदा है तो डेफिनेट सी बात है हम क्यों जिंदा है हम खाते हैं वी नीड एनर्जी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज करने के लिए सिमिलरली बैक्टीरिया जो हर कही है अभी आप ध्यान से देखिए आपके हाथ में भी करोड़ों बैक्टीरियाज होंगे तो ऑब्वियसली उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एनर्जी कहाँ से आता है खाने से जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है ठीक है तो ये जो हम खाते हैं फिर हम जो ये एनर्जी हमें मिलती है ये सब के सब एक प्रोसेस है ठीक है एंड अगेन सब कुछ हमने खा लिया हमें एनर्जी भी मिल गई तब कुछ चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं दैट मीन्स अब उन अनयूज चीज को वो जो चीज हमें जरूरत नहीं है उनको निकालना भी जरूरी है बॉडी से तो एक्सक्रीशन दैट मींस बॉडी से वेस्ट के रिमूवल जो है ये भी एक प्रोसेस है तो देखिए ये सारी की सारी चीजें अब डेफिनेट सी बात है इतनी मार काट खाने के लिए होती है तो वो तो लाइफ प्रोसेस होना बनता ही है है कि नहीं तो डाइजेशन हो गया या सिंपली न्यूट्रिशन हो गया देन जो हमारी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है डेट मीन्स रेस्पिरेशन है फिर ट्रांसपोर्टेशन जो अलग अलग जगहों पर चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है मूवमेंट होती है एंड देन रिमूवल ऑफ द वेस्ट ठीक है जो अनयूज है जो रिमेनिंग चीजें है बॉडी से उनको बाहर निकालना ये सारे के सारे प्रोसेसेस है च आर असेंशियल जो लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो हम मर जाएंगे वो बैक्टीरिया भी मर जाएगा हर कोई मर जाएगा अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम है तो ठीक है सो लाइफ प्रोसेस वी कैन से दैट लाइफ प्रोसेसेस क्या है लाइफ प्रोसेसेस सो दे आर प्रोसेसेस असेंशियल फॉर लाइफ ठीक है प्रोसेसेस असेंशियल फॉर लाइफ अब यहाँ पे और एक चीज आती है कि चलो ठीक है ये सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एंड इनकी कितनी कैटेगरीज है सो देयर आर फोर मेन कैटेगरीज ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड वट आर डोज कैटेगरीज दे आर नंबर वन इज न्यूट्रिशन ठीक है नंबर वन पॉइंट इज न्यूट्रिशन सेकेंड लाइफ प्रोसेस है इट इज रेस्पिरेशन, डेट मींस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड जो हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस है इट इज ट्रांसपोर्टेशन डेट मीन्स चीजों की ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमने खाया जो भी एनर्जी की प्रोडक्शन हुई उन सब चीजों की ट्रांसपोर्टेशन करना और सबसे जो लास्ट लाइफ प्रोसेस है इट इज आवर इज़ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट जो चीजें बेकार है उसको भगाओ अपने बॉडी से दिस इज एक्सक्रीशन। तो यहां इन दिस लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन होता क्या है तो सिंपली इन लेमन लैंग्वेज ठीक है अपने को सब कुछ सिंपल रखना है तो सिंपली अगर हम बोले तो हम जो खाते हैं वही न्यूट्रिशन है दैट मीन्स हम प्रोटीन खाते हैं प्रोटीन न्यूट्रिशन है हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिशन है यस yes. तो हम जो भी चीज खाते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी चीज खाते हैं इट इज न्यूट्रिशन ठीक है सो इन इट इज कॉमनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड दैट मीन्स हैविंग फूड इन डिफरेंट टर्म्स अब देखो फूड हमारे लिए अगर दाल चावल फूड है तो हो सकता है किसी और के लिए कोई अलग चीज फूड हो बट हां न्यूट्रिशन डील्स विथ देशन इंजेशन डेट मीन्स फूड को खाना एंड उसे बॉडी से बाहर निकालना ये जो पूरी एक प्रोसेस है इट इज अ पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रेशन एंड अगेन न्यूट्रेशन हर किसी में अलग अलग है अब इतने सारे जीव है हर किसी किसी की अलग अलग बॉडी स्टाइल है और हर किसी किसी की अलग अलग खाने का भी स्टाइल है तो देखिए डिपेंडिंग ऑपन डैट न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इन टू टू टाइप वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अनादर वन इज दिशन अब फटाफट कमेंट लिखो वॉट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड वॉट इज हेटर न्यूट्रिशन कोई चीटिंग नहीं करना हमने क्लास सिक्स से स्टडी की है कि इनकी बीच के डिफरेंस क्या है तो फटाफट कमेंट में लिख डालो आम वेटिंग सो आई गेस अभी आपने कंप्लीट कर दिया है सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दैट इज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट मींस ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने फूड को खुद बनाते हैं ठीक है अब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो वो क्यों ऑटोट्रॉप नहीं है वो क्यों हेटरोट्रॉप है सो द आंसर लाइज इन द फैक्ट दैट कि हम जो भी फूड अपने किचन में बनाते हैं दे आर ऑफ ऑर्गेनिक सोर्सेस हम ऑब्वियसली सॉइल से नहीं वाटर को एब्जॉर्ब करते ना ही हम मुंह खोल के सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है हम इन सब चीजों को हम इनऑर्गेनिक चीजों को नहीं यूज कर सकते एंड देयरफॉर डो मम्मी किचन में बहुत टेस्टी खाना बनाती है फिर भी हम हेटेट्रॉप ही है ओके okay? तो ये ऑटोट्रॉप्स कौन है मैंने अभी बताया ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना बनाता है बट ये कौन है सो so, ऑटोट्रॉप्स आर प्लांट्स जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉप है ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो इंक्लूड बैक्टेरिया कुछ हमारे बैक्टेरिया होते हैं वो भी ओटोट्रॉप है ये अलग अलग सोर्स से सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल को यूज करके अलग अलग चीजों को यूज करके अपना खाना बना सकते हैं जो हम या कोई भी एनिमल नहीं बना सकता ओके देन कम्स टू हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब देखिए हेट्रोट्रॉप आर ऑर्गेनिजम्स न नॉट प्रिपेयर एयर ओन फूड ओके सो ये अपनी फूड को नहीं प्रिपेयर कर सकते ये चाहे डिरेक्टली हो चाहे इनडिरेक्टली हो दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट सोस ये हमेशा इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि भाई दे दो खाना नहीं तो मैं मर जाऊंगा सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड है पे हम बाद में आएंगे नाउ वी विल स्टडी विथ ऑटोट्रॉप ये ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है तो देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने अभी बताया दैट इज ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड अगेन इट इंक्लूड्स सम प्लांट्स एंड बैक्टेरिया अब बात इस पे आती है कि प्लांट अपना खाना बनाता है बट कैसे अब प्लांट के ना हाथ है ना पैर है ना कोई प्लांट के पास किचन है तो प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है हाउ प्लांट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड सो प्लांट प्रिपेयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस एंड उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट फोटो सिंपली मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कुक और टू प्रिपेयर डेट मीन्स प्लांट सन लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाता है ठीक है एंड अगेन फोटो सिंथेसिस कैन बी डिफाइन एज डी प्रिपरेशन ऑफ फूड बाई ग्रीन प्लांट्स अब देखिए जब हम खाना बनाते हैं अगर आपने भी कभी खाना बनाया होगा किचन में तो आप उसमें अलग अलग चीजें डालते हो नमक डालते हो हल्दी डालते हो कुछ कुछ तो इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली डालते हो अब प्लांट्स की भी भाई कुछ अपने अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ठीक है ऐसा तो नहीं कि प्लांट्स फीका फीका खाना खाएगा सो so आप मुझे बताओ वट आर द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ प्लांट यस दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि प्लांट क्या क्या इनग्रीडियंट यूज करता है टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड तो देखिए सबसे पहले प्लांट की जो इंग्रेडिएंट है इट इज सनलाइट सनलाइट इज दी फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है इट इज अ पिगमेंट। जैसे हम अपने खाने में हल्दी डालते हैं प्लांट अपने खाने में ग्रीन कलर का पिगमेंट डालता है एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट है प्लांट की इट इज वॉटर अब हम दाल बनाएंगे तो सूखे सूखे थोड़ी ही गैस पे चढ़ाएंगे पानी तो डालेंगे ही तो प्लांट भी अपने खाने में वाटर डालते हैं पानी डालते हैं एंड द लास्ट इज सी ओ टू डेट इज कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है तो ये चार मेन इंग्रेडिएंट्स है प्लांट की थ्रू विच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड तो ये तो था इनग्रीडियंट अब हम देखेंगे कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है टू प्रिपेयर फूड तो सबसे पहले देखिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ओके एंड आफ्टर दैट प्लांट के जो हमारे लीव सरफेस होते हैं वहां हमारी क्लोरोफिल होती है ठीक है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स जो भी हमें हरे हरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें क्लोरोफिल होता है तो सबसे जो पहला स्टेप है इन फोटोसिंथेसिस, वो है ट्रैपिंग ऑफ लाइट डेट मींस लाइट के एनर्जी को ट्रैप किया जाता है ठीक है सो द नंबर वन स्टेप इज ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी और ये कौन करता है ये हमारे क्लोरोफिल करती है इज बाय क्लोरोफिल अब जो सेकंड स्टेप है ये है कन्वर्जन अब देखो लाइट के एनर्जी को डायरेक्टली प्लांट भी नहीं यूज करते इसको कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी जैसे कि ए टी क्या है ए टी पी इज द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की बात करेंगे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए टी पी के बारे में बात करेंगे एंड अगेन प्लांट्स में भी लाइट के एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है एंड दिस इज दी सेकंड स्टेप इट इज दी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ठीक है लाइट के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है रुकिए अब हमारा सेकेंड स्टेप यही पे कंप्लीट नहीं हुआ कंटिन्यू ये सारे प्रोसेसेस के लिए कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है वाटर यस yes. ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें और एक एडिशन है एंड दिस एडिशन इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ठीक है फोटो का मतलब होता है सिंपली लाइट एंड लाइसिस का मतलब होता है टूटना डेट मीनस जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूटते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो हमारे इस कन्वर्जन में हेल्पफुल होते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है सबसे पहले कन्वर्जन होगी लाइट एनर्जी की एंड उसके बाद हमारी वाटर की ब्रेकडाउन भी होगी अब आते हैं थर्ड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अगेन थर्ड स्टेप में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की सेंटेसिस होती है डेट मीन्स कार्बन डाई ऑक्साइड को सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डेट मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये एक पूरी डायग्राम है फोटोसिंथेसिस की और इसमें हमारे तीन स्टेप्स है जो मैंने अभी अभी बताया अगेन इसके साथ और एक चीज हमें याद रखनी है दैट इज डी केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसेंथेसिस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ हमें इसकी केमिकल इक्वेशन भी याद रखनी है सो वट विल बी द केमिकल इक्वेशन इट इज सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगी इट विल प्रोड्यूस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स डेट मीनस ग्लूकोज प्लस सिक्स ओ टू सो ये केमिकल इक्वेशन ईजी है बहुत कोई हार्ड नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है तो ये हमें डेफिनेटली याद रखनी है तो देखिए बच्चों यहां हमने ये तो देख लिया कि फोटोसिथेसिस कैसे है होता है कैसे कैसे अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ होता है ठीक है सो फोटोसिंथेसिस यूजुअली टेक्स प्लेस इन अ स्ट्रक्चर कॉल क्लोरोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट हमारे सेल के अंदर एक छोटी सी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनकी अपने मोहल्ले होते हैं उनके अपने फ्लैट होते हैं बहुत सारे फ्लैट होते हैं बट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे दो फ्लैट बना दिए है और ये जो फ्लैट है दे आर कॉल्ड ग्राना इन्हें हम ग्राना कहते हैं ओके okay? और इन फ्लैट के बीच में छोटे छोटे ब्रिजेस भी बने हैं ताकि वो आपस में एक दूसरे के घर जा सके एंड दिस ब्रिजेस आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला दे आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला ठीक है तो फोटोसिंथेसिस जो है यही होता है ठीक है ये जो ग्राना है ये जो बिल्डिंग्स है इसमें लाइट के एनर्जी को ट्रैप कर दिया जाता है इसमें लाइट के एनर्जी को होल्ड किया जाता है ये जो लैमिला है उसमें भी हमारे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है या सिंपली हम कह सकते हैं एनर्जी की कन्वर्शन भी होती है एंड इसी में ये जो एरिया है पूरी खाली जो एरिया है विच इज ऑल्सो स्ट्रोमा इसी के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस भी होती है तो ओवरऑल पूरी की पूरी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो इसी छोटी सी स्ट्रक्चर से शुरू होकर इसी छोटी सी स्ट्रक्चर पे खत्म हो जाती है तो आप सोचो एक छोटा सा स्ट्रक्चर सेल से भी छोटा पूरी दुनिया को चला रहा है क्यों बिकॉज प्लांट आर प्रोड्यूसर्स प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म में उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो मॉरल ऑफ द टॉपिक इज किसी को भी हमें कम नहीं समझना चाहिए तो चलिए ये तो हमने देख लिया अब हम देखते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स प्लांट यूज करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स को या उन रॉ मटेरियल्स को प्लांट कहाँ कहाँ से एक्वायर करते हैं प्लांट को ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से मिलती है So, सबसे पहले सनलाइट अब देखो सन तो एक ही है हमारे सोलर सिस्टम में तो ऑब्वियस बात है सनलाइट या जो लाइट है वो सन से मिलेगी ठीक है नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो बाहर से कोई भी क्लोरोफिल की सोर्स प्लांट के लिए नहीं होता बाकी रही बात सॉइल एंड मिनरल्स की बाकी ये जितने भी वाटर है ये जितने भी मिनरल्स है प्लांट को सारे के सारे मिनरल्स सॉइल से मिलती है दैट मीन सॉइल इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर प्लांट एंड लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सी ओ टू वो कहाँ से मिलती है हवा से मिलती है ओके सो यहाँ पे मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ हमारे पास नाक है हम सांस ले लेते हैं बट है। प्लांट के पास क्या है क्या प्लांट के पास भी कभी आपने देखा है प्लांट का कोई लंबा सा नाक क्या प्लांट की कोई लंबी सी लंग्स आपने देखा है कभी प्लांट में नहीं अब हो सकता है हमारे पास इस टाइप का भी किसी किसी के पास नाक हो बट प्लांट के पास तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे कैसे प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या CO2 टू का एक्सचेंज करता है कैसे प्लांट में गैसेस की एक्सचेंज होती है जल्दी जल्दी सोचो और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे लिख डालो जल्दी लिखो तो दिस इज माई थर्ड क्वेश्चन कि कैसे प्लांट एटमॉस्फेरिक गैसेस को एक्सचेंज करता है जल्दी वीडियो को पॉज करो जल्दी लिखो कोई चीटिंग नहीं करनी So, I guess, आप लोगों को आंसर पता चल गया यस yes. प्लांट में कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं ठीक है यहाँ पे आप देखो कुछ हमारे छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ठीक है ये जो मैंने अभी कहा छोटे छोटे होल्स और सिंपली पोर्स होते हैं इससे प्लांट अपनी गैस की एक्सचेंज करती है चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो फोटोसिंथेसिस के टाइम या ऑक्सीजन हो रेस्पिरेशन के टाइम ठीक है तो गैस की जो एक्सचेंज है इन छोटे छोटे होल्स से होती है और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्टोमेटा इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं अब नेचर इतनी कॉम्प्लेक्स है इसने किसी भी चीज को खाली नहीं छोड़ा अब इस होल को अगर नेचर ने बना दिया उसके साथ दो सिक्योरिटी गर्ड्स भी डाल दिए ठीक है जैसे हमारे घर के सामने दो गर्ड्स होते हैं वैसे ही इन होल्स के सामने भी दो गर्ड्स होते हैं एंड दिस गर्ड्स आर नोन एज गर्ड सेल तो आप लेट्स दिस इज आवर पोर ठीक है ये हमारी पोर है तो इस पोर के साइड में हमारे दो सिक्योरिटी गर्ड होंगे एंड दिस गर्ड आर कॉल गर्ड सेल्स इन्हें हम कहते हैं गर्ड सेल्स अब देखिए ये जो गर्ड सेल है ये भी बेकार के नहीं है इनका भी फंक्शन है ये क्या करते हैं इस पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मॉनिटर करते हैं ये डिसाइड करते हैं कि बेटा तुम्हें अब खुलना है ताकि गैस की एक्सचेंज हो सके और यही डिसाइड करता है कि बेटा बहुत हो गया अब तुम जाओ बंद करो अब तुम ये सब कुछ तो ये जो गर्ड सेल्स है दे मेंटेन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओके बट यहां पे ही खत्म नहीं होता यहां पे पॉइंट है कि कैसे कैसे इन सब चीजों को मेंटेन करता है गर्ड सेल तो थोड़ा सा अब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखिए दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ़ गर्ड सेल इस टाइप की उनकी स्ट्रक्चर होती है और बीच में हमारी होती है स्टोमेटा ठीक है ये बीच में हमारी है स्टोमेटा अब देखिए आपके पास एक बलून है और उस बलून में आपने बहुत सारा पानी डाल दिया ठीक है तो उस बलून का क्या होगा इट विल इन्फ्लेट बलून फूल जाएगा इट विल स्वेल और यही चीज गर्ड सेल के साथ भी होता है गर्ड सेल के पास हमारे कुछ एडिशनल सेल्स होते हैं और लगातार लगातार ये जो साइड वाले सेल्स है उनसे पानी अंदर आता है और उनसे पानी बाहर भी जाता है डेट मीन्स कंटिन्यूस वाटर की मूवमेंट चलती रहती है टाइम टू टाइम ठीक है तो गर्ड सेल जो है सबसे पहले अगर इसमें वाटर अंदर गया आप मान लो कि ये जो हमारे सेल्स है इससे वाटर गर्ड सेल के अंदर चली गई तो गर्ड सेल अपने आप फुल जाएगा ठीक है वो बलून की तरह फुल जाएगा और उसके अंदर ये जो पोर है वो एक्सपोज हो जाएगा दैट मीन्स अब वो ओपन हो गया और एटमोसफियर के साथ ईजीली वो गैस की एक्सचेंज कर सकता है बट वही चीज अगर वॉटर बाहर निकल गई अब देखिए सिमिलर सी चीज़ है कि अगर वॉटर बाहर निकल गई तो ये गर्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे अब आप सोचो जो बलून आपके पास था उसको मैंने फोड़ डाला ठीक है अब उसको अगर मैंने दिया तो बलून श्रिंक हो जाएगा तो सिमिलरली जब भी पानी सेल से बाहर जाएगी अपने आप वो श्रिंक हो जाएगी जिसके वजह से इसके अंदर जो पोर था वो कवर हो जाएगा वो ढक जाएगा और किसी भी टाइप की गैस की एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो देखिए हाउ स्टोमेटा कैन बी रेगुलेटेड और हाउ गर्ड सेल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा इट इज बाईटर मूवमेंट ठीक है मूवमेंट के थ्रू ये स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर सकता है अब देखिए ऑल दिस थिंग्स आर हाईली रेगुलेटेड ये सारे के सारे चीज बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं ऐसा नहीं है कि मन किया और स्टोमाटा खुल गया और मन किया स्टोमाटा बंद बिल्कुल नहीं मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में दिन में स्टोमाटा खुला होता है जब फोटोसिंथेसिस होती रहती है वही रात को स्टोमाटा बंद हो जाता है मेजोरिटी ऑफ द प्लांट में बट जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स है जो हमारे सक्यूलन प्लांट्स है लाइक कैक्टस लाइक एलोवेरा उनमें उल्टा होता है क्यों? क्योंकि देखो डेजर्ट में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है बहुत ज्यादा हवा भी हो सकती है जिसके वजह से हो सकता है सारे के सारे वाटर प्लांट के अंदर से बाहर निकल जाए और प्लांट सूख कर मर जाए तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स में हमेशा रात को स्टोमाटा खुलती है तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है ओके सो दैट्स ऑल फॉर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब हम थोड़ा सा देखेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पहले ही बताया था कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड जहां ऑर्गेनिजम अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते ठीक है अब उसी में उसी में देखिए बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है जैसे कि हो सकता है एक लायन और हम में बहुत सारी सिमिलरिटीज हो, हो सकता है बट हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो वैसे ही दुनिया में बहुत सारे अलग अलग के जीव है सबकी फूड स्टाइल सबकी न्यूट्रिशन स्टाइल अलग अलग है तो हैटेट्रॉप्स ऑल्डो दे आर अ वन ग्रुप वो अपना फूड नहीं बनाते फिर भी उनमें भी डिविजन है लाइक नंबर वन इज पैरासाइड ठीक है सो so, इट भी हेट्रोट्रॉप है बट थोड़े अलग स्टाइल के किस स्टाइल के सो पैरासाइट आर हेट्रोट्रॉप डेप लिव ऑन आदर ऑर्गेनिज्म ठीक है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट दे डोंट किल देयर होस्ट ये कभी भी उस ऑर्गेनिज्म को मार नहीं डालते अब आप सोचो आपके बालों में जुए हो गए हैं लड़कियों के कंटेक्ट में तो बहुत ज्यादा कॉमन है स्कूल गोइंग गर्ल्स के कंटेक्ट में बहुत ज्यादा कॉमन है ऑफ्टन बालों में जुए हो जाते हैं बट क्या उस जू की वजह से हम मर जाते हैं नहीं तो पैरासाइट्स जो है वो दूसरों के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं बट कभी उनको मारते नहीं है ठीक है एंड अगेन पैरासाइट्स में भी हमारे बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम्पल्स लाइक देखिए एनिमल्स में अभी मैंने बताया था टिक्स जुए वगैरह सो टिक्स हो गया देन लाइस हो गई देन लीच ये सारे के सारे पैरासाइटिक फॉर्म है जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं सिमिलरली प्लांट्स में यहाँ आप देख सकते हो एक येलो कलर की वाइन होती है येलो कलर की क्रिपर होती है जो किसी भी प्लांट के ऊपर ग्रो कर लेती है अब उनका अपना क्लोरोफिल है नहीं तो वो दूसरों से न्यूट्रिशन लेती है एक एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड कास्क्यूटा इसे हम कास्क्यूटा कहते हैं सो दे आर पैरासाइटिक प्लांट्स क्योंकि ये अपनी खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते दे आर नॉट फोटोसिंटेटिक अब जो हमारा सेकेंड मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इट इज सेप्ट्रोफाइटिक न्यूट्रेशन अब देखिए पैरासाइट्स दूसरे के लिविंग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनसे न्यूट्रिशन सक करते हैं बट सेप्टोफाइट्स ये मरे हुए चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं स सो सेप्रोफाइट आर ऑर्गेनिज्म डैट ग्रो ऑन डैट एंड डिकेट ऑर्गेनिज्म ठीक है ये हमारे हमेशा सरे हुए चीज़ों पर मरे हुए चीजों पर ऐसे चीजों पर ग्रो करते हैं जो हम चाहे देखना भी ना चाहे सो हाउ एवर डे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट अब आप सोचो अगर कोई भी चीज नहीं सरता ठीक है अगर कोई भी चीज़ की डिग्रेडेशन नहीं होती और वो हमारे दुनिया में जमा होती जाती तो क्या होता वट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस तब तो भाई अब तक तो पूरी दुनिया फुल हो जाती फ्रूट से ही फुल हो जाती बर्ड से फुल हो जाती अगर डिकम्पोज नहीं होता हम जाते कहीं पे भी तो हर तरफ हमें डेड बॉडीज मिलती तो सिंपल सी बात है कि अगर ये सारे नहीं होते तो और ज़्यादा कूड़ा होता ऐसे भी कूड़ा है हर जगह हम जाए तो लोग यहां वहां चीजें डम कर देते हैं बट कहीं ना कहीं थैंक्स टू डैम ये उन चीजों को जो ये पछा सकते हैं पछा लेते हैं ठीक है तो सैप्रोफाइट आर ऑर्गेनिजम डेथ कैन ग्रो ऑन डेथ एंड डीकेड ऑर्गेनिज्म इसीलिए कभी कभार उन्हें हम स्केवेंजर्स भी कहते हैं एंड अगेन कुछ हमारे बैक्टेरिया भी ठीक है कुछ हमारे बैक्टेरिया भी होते हैं विच आर सेप्रोफाइट अपना ये बैक्टेरियाज हर कहीं घुस जाते हैं ये सेप्रोफाइट भी है ये पैरासाइटिक भी है और ये फोटोसिंथेटिक भी है मतलब बैक्टीरिया का ना कुछ नहीं कर सकते बैक्टीरिया हर कहीं है हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया है सेप्रोफाइट में भी है ये भी कुछ ना कुछ डिकम्पोज करते रहते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब जो थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ठीक है इट इज होलोजॉय होलो का मतलब होता है एंटायर पूरा ठीक है मतलब होता है पूरा होलो सिंपली मीन्स एंटायर एंड जॉय का मतलब होता है एनिमल जॉइक का मतलब ऑर्गेनिजम्स होता है डेट मीन्स Nutrition का मतलब है ऐसे animals, ऐसे organisms जो अपनी पूर की पूरी बॉडी को यूज करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि मानो हम हम मुंह से खाना डालते हैं पेट में पचाते हैं और डेन एनस से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं डेट मीन कहीं ना कहीं हम अपने पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं ठीक है सिमिलरली होलोजॉइक न्यूट्रिशन हमारे अमीबा में भी होता है जो मैंने अभी कहा था एक छोटी सी जीव है जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है ठीक है न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज अगेन आई एम रिपीटिंग ऐसी nutrition है जहां ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी की पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन अब हम पहले देखेंगे कि कैसे कैसे होलोजॉइक न्यूट्रिशन अमीबा में होता है देन हम देखेंगे कैसे होलोजॉइक न्यूट्रिशन ह्यूमन में होता है ठीक है तो आइए अमीबा। अब देखिए, सबसे पहले होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन अमीबा इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन क्यों? बिकॉज होलोजॉइक न्यूट्रिशन इन अमीबा इज लिमिटेड टू अ सेल अमीबा एक छोटी सी सेल है और जो भी उसे करना है खाना है पछाना है फेंकना है जो भी करना है इसी के अंदर ही करना है तो इसीलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है सो दिस इज अमीबल सेल ये एक अमीबा का सेल है और जब भी कोई खाना अमीबा को देखता है वो तुरंत भागता है खाने के पास कैसे भागता है स्विम करते हुए ठीक है फ्लोट करते हुए क्योंकि अमीबा पानी में रहते हैं दे आर तो वो तुरंत ही खाने की ओर दौड़ते हैं ये इस टाइप के cell extension की प्रोडक्शन करते हैं अब आपके सामने कोई बर्गर रख देगा तो तुरंत आप हाथ निकाल के बर्गर को खा जाओगे बिछारे अमीबा के पास क्या है कुछ नहीं है तो इसीलिए वो खींच खींच के अपनी सेल को ही एक्सटेंड करते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस व्हिच इज नोन एज सुडोपोडिया पोडिया का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है लेग ठीक है सुडो का मतलब अगेन रिपीटिंग होता है फॉल्स एंड पोडिया मींस लेग तो अमीबा क्या करती है की फॉर्मेशन करती है और फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर एनगल्फ करती है बॉडी के अंदर खींचती है आफ्टर सम टाइम आखिर में फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ ही जाती है ठीक है एंड इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल फूड वेकोल एक फूड वेकोल की फॉर्मेशन होती है एक खाली स्पेस की फॉर्मेशन होती है अब वहां अमीबा क्या करेगी उस खाने को पछाएगी दैट मीन ये उसकी टेम्पररी पेट है अब हमारे पास तो पेट है किसी किसी के पास तो बहुत ज्यादा बड़ा है जो भी हो अमीबा के पास नहीं होता तो इसीलिए वो अपनी टेम्पररी पेट बनाता है विच इज दी स्टमक बेकॉल जिसमें अब फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होगी ठीक है आफ्टर डैट डाइजेशन शुरू हो गई पार्टिकल्स धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है और उसी से जो न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रही है देखो खाने का जो मेन एम क्या है हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो सिंपल सी बात है डाइजेशन भी होगी उसके साथ साथ एब्जॉर्बेशन भी होगी बॉडी उसको यूज भी करेगा एंड आफ्टर दैट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है अमीबा सिंपली उसको दोबारा से ऐसे एक्सटेंशन बनाकर पानी में छोड़ देगा विच इज टर्म डेस्क इजेशन इजेशन का मतलब है फेंको बॉडी से बाहर ठीक है तो दिस इज दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा जिसमें वो सूडोपोडिया का हेल्प कर लेते हैं टू ईट द फूड एंड टू रिलीज द फूड अब देखिए अमीबा इज अ सिंगल सेल तो ऑब्वियसली बात है उनकी ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की सिंपल थी ह्यूमन हम में हर चीज की स्पेशलिटी है तो ऑब्वियसली बात है हमारे न्यूट्रिशन जो है इससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा इनफैक्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होगी बट डरना हमें नहीं है वी विल स्टार्ट विथ ह्यूमन डाइजेशन ऑल्सो एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ इट ओके तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की अगर हम बात करें अगेन आई एम रिपीटिंग ह्यूमंस में भी हमारी होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होती है बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी अमीबल न्यूट्रिशन सो हमारी जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है और हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है इट स्टार्ट विथ आवर माउंट इट हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है ये है हमारी माउथ कैविटी और यही पे हमारी डाइजेशन शुरू हो जाती है माउथ पे हमारे किस चीज की डाइजेशन होती है क्या आप मुझे बता सकते हो किस चीज की डाइजेशन होती है मुंह पे जल्दी जल्दी बताइए इट इज ऑफ स्टार्च ठीक है सिक्सटी परसेंट ऑफ जो स्टार्च है वो हमारे मुंह पे डाइजेस्ट हो जाती है और ये कौन करता है सो so, 60% डाइजेस्टेड hero. अ हीरो है हमारे मुंह पे एंड इज salivary amylase. ठीक है इट इज एक टाइप की एंजाइम है एक टाइप की प्रोटीन है सिंपल वे में कहे तो एक कैटलिस्ट है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं ठीक है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करते हैं और एंड यहाँ स्टार्च की डाइजेशन होती है और वो कौन करता है सेलाइवरी एमाइलेज अब जो भी खाना है इट विल मिक्स अप विथ आवर सलाइवा हेयर इन द माउथ मुंह पे ही थू के साथ खाना मिक्स हो जाता है एंड उसके बाद दे विल स्मूथली मूव डाउन थ्रू आवर फूड पाइप विच इज कॉल्ड एसोफेगस अब इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ईसोफेगस में किस टाइप की मूवमेंट होती है हु टाइप ऑफ मूवमेंट इज देयर इन ईसोफेगस सो इट इज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ठीक है बच्चों ध्यान से याद रखना ये क्वेश्चंस आ जाते हैं किस टाइप की मूवमेंट इसोफेगस में होती है इट इज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट दैट मीन गुडगुडी वाला मूवमेंट ओके एंड ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स के वजह से होती है क्लास नाइन में आपने जरूर पढ़ा होगा टिश्यू वाले चैप्टर पे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स जिसके वजह से ये मूवमेंट होती है कौन सा है वो मसल इट इज स्मूथ मसल्स ठीक है स्मूथ मसल्स के वजह से इस टाइप की मूवमेंट होती है अब खाना मूवमेंट करते हुए डांस करते हुए पहुंचेगा हमारे पेट पे दैट इज आवर स्टमक

अब तीनों के तीनों अपने ही फील्ड में हीरो है एच सी एल इज दी जागो भाई जागो डेट मीन सिक्योरिटी गार्ड जब भी खाना पेट में आएगा एच सी एल बोलेगा भाई जग जगजा खाना आ गया है ठीक है सो so, एचसीएल क्या करेगा एच सी एल विल एक्टिवेट दी पेप्सिन ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा पैप्सिन जो सोया हुआ जग जाएगा और जग के ये क्या करेगा जाके आक्रमण करेगा ठीक है पैप्सिन करेगा इट विल आक्रमण प्रोटीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगी ठीक है तो ये तो दोनों हो गए एक्सीएल जगाएगा पैप्सीन को पैप्सीन आक्रमण करेगा प्रोटीन को इस बीच में म्यूकस का क्या काम है म्यूकस कहाँ फंस गया सो म्यूकस विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग अब देखो एक्सीएल जो है वो हमारे पेट को जला सकती है क्योंकि एक्सीएल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसीलिए म्यूकस जो है ये क्या करेगी इट विल प्रोटेक्ट आवर स्टमक म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ठीक है तो अब खाना स्टमक में थी स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई अब दोबारा से फूड जो है इट विल एंटर आवर स्मॉल इंटेस्टाइन सिंपल भाषा में बोले तो आवर मैगी इन द बिलो द स्टमक बेसिकली मैगी इन आवर बॉडी क्योंकि देखने में आज तक तो ये मुझे मैगी की तरह ही लगी सो so, फूड विल एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहां दो दो ग्लैंड की secretion होती है देखो दो दो ग्लैंड के secretion बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे जो पहला secretion आता है वो आती है liver से ठीक है Liver से आती है दिस इज आवर liver. और दूसरी जो secretion आती है यहां से डेट इज फॉर्म पैनकेयरस पेनकेयरस से भी सिक्रेशन आती है एंड ये दो सिक्रेशन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो फर्दर डाइजेशन होगी इन्ही सिक्रेशन के वजह से होगी ठीक है लीवर से बेसिकली आती है बाइल जूस लीवर से आती है बाइल जूस और पेनकेयरस से आता है पैनक्रिएटिक जूस अब देखो जो भी हमारे स्टमक से फूड आते हैं दे आर एसिडिक क्योंकि पेट में वो एच के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इसीलिए क्या होगा इंटेस्टाइन में आने से पहले इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि इस खाने को हम न्यूट्रलाइज कर दें या तो इसको हम थोड़ा बहुत एल्कलाइन कर दें एंड इट इज डन बाय बाइल जूस यस बाइल जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज़ बाइल जूस क्या करती है इट हेल्प्स इन इमालसिफिकेशन ऑफ फैट्स ये फैट्स की इमालसिफिकेशन में हेल्प करती है ठीक है फैट्स की में भी हेल्प करती है प्लस ये एल्केलाइनिटी को भी मेंटेन करती है डेट मीन्स ये जो खाना एसिडिक खाना जो हमारे स्टमक में था इंटेस्टाइम में जब वो आएगा उसको न्यूट्रल कर दिया जाएगा विद द एक्शन ऑफ बाइल दैट मीन्स बाइल का काम कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन में भी होता है ओके? उसके अलावा जो जूस है, उस पे हमारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स जैसे कि नंबर वन इज ट्राइपसीन ठीक है इसमें हमारे ट्राइपसीन होते हैं एंड इस पे हमारे लिपेज भी होता है ठीक है वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बट एनसीआर में बस दो एंजाइम मैंशनड है और हमें दो ही याद रखने हैं उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं याद रखना वन इज ट्राइपसीन अनदर वन इज लिपेज और देखिए इसमें से जो ये ट्राइपसीन है ये अगेन प्रोटीन की डाइजेशन करता है और ये जो लिपेज है ये अगेन फैट की डाइजेशन करती है ठीक है, कंपाउंड so, ऐसा नहीं है कि मैं कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट करूंगा और मैं फैट्स भी बिल्कुल नहीं हर एंजाइन सिर्फ एक ही कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा ओके सो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबकी सिक्वेशन आती है उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी भी सिक्रेशन ऐड करता है ये अपनी भी सिक्रेशन ऐड करता है एंड जो भी खाना है उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट करता है यस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्योंकि अब इसके बाद फर्दर डाइजेशन नहीं होगी जो भी राम श्याम जो भी जिसको भी डाइजेस्ट होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगी आफ्टर दैट द फूड विल मूव थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है वो लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करेगी सो दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन यहां से फूड पार्टिकल्स मूव करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप के डाइजेशन फर्दर इतनी नहीं होती है बट वहां एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के देखेंगे तो उस उसपे हमें ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं विली ठीक है और ये विली क्या करते हैं डिसीस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन डेट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी और न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर हो जाएगी और सिंपली हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टूल हो जाएगा ठीक है आफ्टर दैट रैक्टम में यहां इस एंड में बहुत टाइम तक वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होगा जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर रहेगा एंड वंस ब्रेन से सिग्नल मिल गई कि भैया रॉकेट को छोड़ दो, देन फ्रॉम द एनस ठीक है फ्रॉम द फूड पार्टिकल और द वेस्ट मटेरियल विल बी इजेटेड आउट निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर एंड विथ दिस ह्यूमन न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है ठीक है अगेन आम रिपीटिंग मुंह से शुरू होती है डाइजेशन ऑफ स्टार्च कौन करता है स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है कौन करता है इट इजीन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है अलग अलग एंजाइम हर कहीं से आती है कंप्लीट डाइजेशन होती है एंड उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होकर देन वो बाहर निकल जाते हैं जो भी स्टूल की फॉर्मेशन होती है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं ठीक है सो आई होप इस पूरे वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली आई जस्ट होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगी तो अब थोड़ा हम अपने दिमाग में प्रेशर डालेंगे थोड़े से कुछ क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कर पाए सो माई नंबर वन क्वेश्चन इज वच एन्जाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन ह्यूमन कौन सा एंजाइम है जिसके वजह से प्रोटीन की डाइजेशन होती है हमारे अंदर ओके okay? सेकेंड क्वेश्चन इज वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज दीट साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल को क्यू कहा गया है ओके थर्ड इज फोटोसेंटेसिस एग्जैक्टली कौन सा सेल ऑर्गेनल्स में होते हैं कौन सेल ऑर्गेनल्स में फोटोसेंटेसिस होती है एंड माई लास्ट क्वेश्चन इज फंज में किस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है ज्यादा नहीं है बस चार क्वेश्चंस है अगर ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आएगी आई होप आप इजिली इनका आंसर कर पाओगे जल्दी जल्दी सारे आंसर्स करके कमेंट बॉक्स में डाल दो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो मेरे साथ बने रहो थैंक यू बाय बाय फिर मिलते हैं टाटा पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट